Hello everyone, I welcome all to the Unacademy, India's largest learning platform. जल्दी से एक बार कनेक्ट हो जाइए दोस्तों और एक बार ऑडियो का कंफर्म कर दीजिए सभी. एक बार ऑडियो का कंफर्म कर दीजिए, आई एम ऑडिबल और नॉट. फटाफट से एक बार कनेक्ट हो जाइए. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेरी वेरी गुड इवनिंग. जल्दी से एक बार कनेक्ट हो जाइए. फिर आज का हम जो अपना सेशन रहने वाला है ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के अंदर, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ कंसेप्ट को भी देखेंगे और पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएंगे. धर्मपाल जी नमस्ते. नमस्ते धर्मपाल. चलिए जी, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है इसके अंदर हम सारे तो अपने PQS लगाएंगे. जो टॉपिक हम कवर करेंगे, इस टॉपिक का नाम होगा आइसोलोबल एनालॉजी. जब हम आइसोलोबल एनालॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ से जो जिस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे. और हम देखेंगे कि डायग्राम के अलावा, जैसे कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपके पास जैसे जो सिंपल नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी से हम निकाल लेते हैं कि कौन सा आइसोलोबल होगा कौन सा नहीं होगा. बट कई बार एग्जामिनर क्या देता है, क्वेश्चन को घुमा देता है. जैसे कई बार ऐसा पूछता है कि तीन कंपाउंड है अपने पास, ए बी और सी, दो जिसमें से मेन ग्रुप के हैं, एक अपने पास ट्रांजिशन मेटल का है. तो इनका भी इलेक्ट्रॉन काउंट मान लीजिए इन दोनों का 5 5 आ रहा हो, दोनों का 5, इसका भी 5 और इसका 15 आ रहा हो, तो फिर ये किसके साथ जाएगा, ये वाली चीज़ आज इस क्लास के अंदर देखेंगे. ऐसा क्वेश्चन CSIR नेट में आ चुका है कि जब ट्रांजिशन मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी से हम फाइंड आउट करते हैं, उसमें सिंपल हम देख देते हैं कि मेन ग्रुप का ऑक्टेट से कम होना चाहिए और जितना डेफिशिएंसी मेन ग्रुप में 8 से कम होता है, ट्रांजिशन मेटल के केस में हम 18 से कम देख लेते हैं. बट इस क्वेश्चन के अंदर आज जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जब दो का इक्वल आ जाए 15 और 15 और 5, तो उस टाइम में हमें क्या कौन सा मेथड अप्लाई करना है, उसको आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर. जल्दी से एक बार कनेक्ट हो जाइए सभी. फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दें, ऑडिबल और नोट. जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से एक बार बताएं. एक बार जल्दी से कंफर्म कर दें. चलिए जी, तो जो भी एक बार नए स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में, उनके लिए मैं बता देता हूँ. न्यू स्टूडेंट्स के लिए, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है अनअकैडमी उनको क्या क्या प्रोवाइड करता है. ये सबसे पहले अपने बारे में आप देख सकते हो, सब कुछ लिखा हुआ है, 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ CSIR नेट. उसके बाद अगर हम बात करें अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं. तो देखिए दोस्तों, डाउट सेशंस और टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब भी CSIR नेट जैसे एग्जाम की बात करते हैं, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उस केस में क्या हो जाता है, अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है टेस्ट सीरीज और डाउट सेशंस. अगर आपके टेस्ट सीरीज आपने नहीं लगाया तो आपको पता नहीं चलता कि मान लीजिए एग्जाम का लेवल यह है और अपना लेवल कहाँ है, ये बीच का जो गैप है ये सिर्फ और टेस्ट सिर्फ हम टेस्ट सीरीज से पता लगा सकते हैं. उसके बाद देखिए अनअकैडमी पे आपको पता है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको मिलते हैं. इसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ आप स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3, इसके लिए एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ. अनअकैडमी लर्नर ऐप अब आपको डाउनलोड करना होगा. अनअकैडमी लर्नर ऐप, पहले क्या हुआ करता था अनअकैडमी लर्निंग ऐप, अब ऑफिशियल जो है वो अनअकैडमी लर्नर ऐप आपको डाउनलोड करना होगा. उसके बाद आपको क्या करना होगा, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5 एंड स्टेप नंबर 6 में प्लस का साइन, गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन एंड देन 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का क्या मिलता है, आपको चॉइस मिलता है. आप अपने एग्जाम की डेट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपनी डेट के अकॉर्डिंग आप क्या ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ का. इसके बाद स्टेप नंबर 7 और 8 और 9 आप देख सकते हैं. यहाँ आप जैसे ही कोड यूज करते हो तो आपको 10% क्या मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है. और कोड आप यूज कर सकते हो RK Bishnoi 10 आप यूज कर सकते हो. उसके बाद प्लस और आइकॉनिक, इसमें देखिए आप में दो आपके पास सब्सक्रिप्शन दो टाइप के हैं, एक प्लस का एक आइकॉनिक का. प्लस के अंदर आपको बेस्ट एजुकेटर इंटरेक्टिव लाइव क्लासेज PDF फॉर्म में आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स पूरा मिलता है, किस टाइप से पूरा प्लानिंग है कि किस टाइप से पूरा स्मूथली कोर्स चलेगा. इसके अलावा लाइव टेस्ट क्विज भी होते हैं. बट आइकॉनिक में थोड़ा सा आपको एडवांस चीज़ें देखने को मिलती है. यहाँ क्या है कि मान लीजिए ऐसा स्टूडेंट है जो खुद से कुछ नहीं कर पाता, उसको पता नहीं है कि आज मैंने ये पढ़ लिया तो कल मैं कौन सा टॉपिक पढ़ूँ, परसों मैं कौन सा पढ़ूँ, तो उसमें आपको एक पर्सनल गाइडेंस मिल जाती है, पर्सनल कोच मिल जाता है, डाउट सॉल्विंग पर्सनल स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है. इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आप किसी, मान लीजिए हर टाइप से आपको वीकली टेस्ट सब पूरा गाइडलाइन आपको दिया जाता है
एक एजुकेटर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, इसके अंदर थोड़ा सा आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये प्लस के लिए रहने वाला है, ये प्लस के लिए 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ 24 मंथ, और इसी के अंदर आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो ये अपने पास है, सब जो भी प्राइस था उसका 10% लेस करके आपको मिलता है। इसके अलावा आइकॉनिक में 6 मंथ 12 मंथ एंड 24 मंथ के 3 ऑप्शन है आपके पास, यहाँ भी आपको 10% क्या मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे ही आप क्या यूज करते हो, आर के बिश्नोई, आप जैसे ही आर के बिश्नोई 10 यूज करते हो, आपको 10% क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा देखिए अन अकेडमी प्लस एंड लाइव क्लासेस में क्या डिफरेंस है, आइकॉनिक में क्या डिफरेंस है, ये जो चीज़ें हैं ये डिफरेंस है। आपको पर्सनल कोच मिल जाता है, वीकली रिव्यू आपका किया जाता है कि आपने क्या किया पिछले हफ्ते, स्टडी सेशन आपके होते हैं बूस्टर करने के लिए, डाउट सोल्विंग, पर्सनल डाउट सोल्व आप करवा सकते हैं। इसके अलावा स्टडी मटेरियल्स आपको, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, अलग से भी स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, ठीक है, एजुकेटर जो भी गाइड आपको करेगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ तक मेरे को लग रहा है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जल्दी हाइक क्या करने वाला है, प्राइस हाइक कर जाएगा। तो आप जो अभी आपको दिखाई दिया था अमाउंट, उसी अमाउंट में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, बहुत जल्दी है, जैसा डिमांड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, बहुत जल्दी हाइक कर जाएगा। इसके अलावा अन अकेडमी CSIR नेट यूट्यूब चैनल पे हम डेली रात को 9 बजे मिलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के साथ। इसके अलावा सुबह 9 बजे अपना उमिंग बेच, यहाँ अपना जीत बेच चल रहा है, और सुबह में अपना उमंग बेच चल रहा है, सुबह में 9 बजे हम मिलते हैं मेन ग्रुप के साथ। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो केमिकल साइंस और मैथमेटिकल साइंस के लिए एक्सेल बैच स्टार्ट हो चुके हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। जल्दी से जल्दी एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बहुत बढ़िया जी। चलिए जी, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको लगता है कि कहीं कंटेंट में दिक्कत है तो आप क्लेम कर सकते हो रेफरेंस बुक्स के साथ। इसके बाद अगर हम बात करें तो आज का जो टॉपिक रहेगा उसके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको तो हम बाद में देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो जैसे कि ये दिसंबर 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन दिसंबर 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, और यहाँ क्या पूछा गया, आइसोलोबल एनालॉजी। इसके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि किस टाइप से आपको कई बार क्वेश्चन ऐसा घुमा के आता है कि आपको पता नहीं चलता कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी से होने वाला है या नहीं, वो क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगे। डेफिशिएंसी के अलावा किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं प्रीवियस ईयर में, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलमोस्ट मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश की है। उसके बाद देखिए किन्हीं दो पेयर को आइसोलोबल कब बोलेंगे, या आइसोलोबल पेयर्स कब होंगे, जो दो फ्रैगमेंट है वो कब आइसोलोबल होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो अपने लिए ये हो जाता है। तो ये काफ़ी ईजी टॉपिक वैसे बोल सकते हैं अगर हम देखें, अगर हम इसको कंपैरिजन करें बाकी अदर टॉपिक से, बट यहाँ से अगर क्वेश्चन घुमाना चाहे एग्जामिनर तो बहुत मुश्किल बना सकता है। अभी थोड़ी देर में आपके सामने मैं क्वेश्चन रखने वाला हूँ, ये तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ये जो आप निकालते हो सिंपल है ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के बेस पे। तो दो पेयर दो फ्रेगमेंट कब आइसोलोबल होंगे, उनके लिए हम सिर्फ क्या चेक कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, वो मैं बताता हूँ क्या है, बट इसके अलावा इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, फ्रंटियर ऑर्बिटल की एनर्जी, सिमेट्री, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी चीज़ें जब उनका अप्रोक्सीमेट सारी चीज़ें सेम होती है तब जाके वो क्या होते हैं, आइसोलोबल पेयर एक दूसरे के होते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ हर टाइप से उसमें क्या होना चाहिए, सिमिलैरिटी होना चाहिए, हर टाइप का क्या होना चाहिए, सिमिलैरिटी होना चाहिए। सिंपल सी डेफिनेशन मैं बोल लूँ तो हर टाइप का क्या होना चाहिए, सिमिलैरिटी होना चाहिए। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना आइसोलोबल वाला, ये बहुत सिंपल है, आप निकाल लेते हो, बट कई बार आगे आता है, आगे देखोगे आप किस टाइप के क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन, वहाँ क्या होगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा कि आप ऐसे यहाँ क्या करते हैं कि अपने पास दो एलिमेंट है और उनको हमें बताना है, तो हम क्या बोल देते हैं, अगर मेन ग्रुप का इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 8 वाला चलता है, और ट्रांजिशन मेटल वाला है तो हम 18 वाला लगा लेते हैं, और हम देख लेते हैं कि जितना डेफिशियंसी, मान लीजिए मेन वाले का और उसका डेफिशियंसी कंपेयर कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशियंसी हम कंपेरिजन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशियंसी में क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई मेटल का अपने को क्लस्टर दिया होगा और उस क्लस्टर का मेरे पास 16 इलेक्ट्रॉन आ गया, 16 आ गया, तो ये 18 से कितना कम, 16 माइनस 18 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर से मेरे पास आ गया 6 मेन ग्रुप का, मेन ग्रुप वाले में मेरे पास 6 आ गया, तो मैं क्या बोलूँगा 8 माइनस 6 इज इक्वल टू
टू। ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों के दोनों क्या है, आइसोलोबल है, दोनों पेयर क्या है, आइसोलोबल है। ये चीजें हम डिस्कस करते हैं। आइसोलोबल किनको बोलेंगे? पहला तो स्टेटमेंट ये होता है कि उनका फ्रंटियर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, उनका एनर्जी सारा क्या होना चाहिए, सेम ना हो, सिमिलर होना चाहिए। एग्जैक्ट सेम होना कोई जरूरी नहीं है कि जितना इलेक्ट्रॉन है, बट सिमिलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए, बिल्कुल। अब देखिए मैं आपके सामने कुछ एक, इसको जानने से पहले मैं आपको बोलता हूं कि कार्बन का अगर मैं वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो मेरे पास कुछ ही आता है। और तुम्हें पता है कि ग्राउंड स्टेट में तुम क्या कर लेते हो, ऐसे बना लेते हो, एक दो तीन चार और पाँच ये बना लेते हो। आप क्या करते हो? इस टाइप से। जब इसको एक्साइटेड स्टेट के अंदर लेके जाते हैं तो आप क्या करते हो, इस टाइप से एक इलेक्ट्रॉन को आगे मूव करवा देते हो और इस टाइप से चार, और फिर ये मिक्स होके क्या बना लेती हैं, चार sp3 हाइब्रिडाइजेशन की हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेती है, फोर sp3 बना लेती है। क्या बना लेती है? फोर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेती है। तो जब मैं कार्बन की बात करता हूँ तो मुझे पता है कि कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, एक दो तीन और चार, और चार लगे हुए हैं तो चार sp3, मैंने क्या बोला, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब मुझे एक बात पता है, अगर मैं इसके MO डायग्राम से आपके साथ कंपेरिजन करने जाऊँ तो मैं आपके सामने यहाँ पहले एक बार बना लेता हूँ, मैं आपके साथ बनाता हूँ एक डायग्राम। देखिए अगर मैं इसको यहाँ कंपेरिजन करने जा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ CH4 का बनाता हूँ, एक बार देखिए अगर मैं यहाँ CH4 का डायग्राम बनाता हूँ तो आप क्या देखोगे कि CH4 के पास चार क्या थी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, चार क्या थी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की चार ऑर्बिटल थी। उसने क्या किया, नीचे जैसे मेरे पास यहाँ चार सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं, चार सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं, तो चार ही क्या बन गए उसके पास, सिग्मा स्टार बन गए होंगे। ये बात समझ में आती है? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसके अगर MO डायग्राम से दिखाऊं तो मैं कुछ ऐसे बता सकता हूं कि चार सिग्मा बने तो टोटल इलेक्ट्रॉन CH4 के पास कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे दोनों को मिला के। तो यहाँ मेरे पास कितने आ गए, सबके अंदर दो दो आ चुके हैं। एक बार बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इनको डी ब्लॉक से कंपेरिजन करने के लिए मैं ये बना रहा हूं, तो अगर जब हम यहाँ देखेंगे तो मेरे पास मैंने देखा कि 8 के 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुके हैं, ऊपर क्या है, सिग्मा स्टार खाली है। और यही डायग्राम मैं अगर जब CH3 के लिए बनाता तो कैसा बनता, देखिए CH3 के टाइम यहाँ तीन सिग्मा बॉन्ड बन जाते, एक दो और तीन, और तीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते, टोटल एक दो दो चार और दो छः, छः इलेक्ट्रॉन आ जाते। अब देखिए एक ऑर्बिटल बचा होगा ना, एक ऑर्बिटल बचा होगा जिसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, बचा हुआ है, और ये क्या है, CH3 है, क्योंकि CH3 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस शेल के अंदर सात इलेक्ट्रॉन है, और ये सात इलेक्ट्रॉन में से छह तो इसका बॉन्डिंग में है, ये एक क्या पड़ा है, एंटी बॉन्डिंग, और ये ऊपर क्या बन गए, तीन सिग्मा स्टार। आ रही है बात समझ में? इसको क्या बोलते हैं हम, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बोलेंगे, या हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या इसका फ्रंटियर ऑर्बिटल है, क्या है, फ्रंटियर ऑर्बिटल। इतनी बात समझ में आती है? इसी टाइप का एक केस में अगर यहाँ CH4 के बजाय मैं क्या बनाऊँ, CH2 का बनाऊँ, CH2 का जब मैं केस बनाने जा रहा हूँ तो क्या देखता हूँ कि दो बॉन्ड बनेंगे, दो बॉन्ड बनेंगे, दो बॉन्ड बनेंगे, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फोर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुके होंगे, और यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिक्स, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिक्स, तो इसका जो फ्रंटियर ऑर्बिटल होगा उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, और यहाँ कितना था, जीरो। ये बात सबको समझ में आ रही है, यहाँ कितना था, जीरो, यहाँ कितना है, वन, और यहाँ कितना है, टू। इसी टाइप से अगर मैं CH के लिए बनाने जाऊँ, अगर मैं CH के लिए बनाऊँगा तो आप देखोगे कि यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वन एंड फोर है, फाइव इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन फाइव, फाइव में से एक बॉन्ड बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है, तीन क्या बचे होंगे, ऊपर पड़े होंगे, यहाँ तीन यहाँ क्या बच गए होंगे, फ्रंटियर वाले में, फ्रंटियर वाले में कितने आ गए, तीन आ गए। इतनी बात समझ में आती है सबको? फ्रंटियर वाले में कितने ऑर्बिटल, यहाँ कितने आ चुके हैं, फ्रंटियर में यहाँ तीन इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। आ रही है बात समझ में ये वाली? अब देखिए, अब आइसोलोबल एनालॉजी को समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ चलता हूँ कि अगर मुझे मेटल वाले से कंपेरिजन करना पड़े तो आप यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा स्पेस का लिया, मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको कि मेरे पास मान लीजिए Ml6 है, क्या है, Ml और 6। आपने सिग्मा बॉन्डिंग के लिए MO डायग्राम, आपने ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल का सिग्मा बॉन्डिंग वाला इलेक्ट वो पढ़ा होगा MO डायग्राम, T2G E2G वाला। तो यहाँ आप क्या पढ़ते हो उस केस में कि अपने पास ऐसा ऑर्बिटल का होता है, एक दो तीन चार पाँच और छः, ये कौन से बनाए मैंने, जिसके अंदर ये छः है उनमें हमें पता है कि सिग्मा बॉन्डिंग वाले कौन कौन से होते हैं, T1U, A1G और साथ में TEG, साथ में EG, और तीन ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो T2G वाले हैं, वो क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग रहते हैं, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो मैंने देखा कि मेटल के साथ छह लिगेंड,
तो 6 के साथ इसने क्या बना लिया, 1 2 3 4 5 6, 6 तो सिग्मा बन चुके हैं, 6 सिग्मा बन चुके हैं, तो 6 ही क्या बन जाएंगे, ऊपर सिग्मा स्टार बन चुके होंगे, यहाँ क्या बन चुके होंगे, सिग्मा स्टार। तो यहाँ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ चुके होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुके होंगे, बिल्कुल 12 यहाँ आ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मेटल के पास 3 T2G थे, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे बिल्कुल, क्योंकि ये तो क्या है, नॉन बॉन्डिंग है। क्योंकि नॉन बॉन्डिंग क्यों है, क्योंकि ये पाई बॉन्डिंग के अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, किसमें करते हैं, पाई बॉन्डिंग के लिए। और यहाँ हम क्या मान के चल रहे हैं कि अपने पास ये वाले क्या है, लिगेंड के पास ऐसा कोई ऑर्बिटल नहीं है जो पाई सिमेट्री का ऑर्बिटल रखता हो, मेटल के लिगेंड के पास ऐसा कोई वैकेंट है T2G की सिमेट्री का नहीं है, इसलिए वो क्या है, नॉन बॉन्डिंग है। तो मतलब ये मेरे पास क्या है, सारे नॉन बॉन्डिंग। अब एक बात देखिए, इस Ml6 को मैं यहाँ से कंपेरिजन करता हूँ अगर 8 वाले से, CH4 वाले से, तो यहाँ देखिए इसका फ्रंटियर 0 और यहाँ भी फ्रंटियर वाले में क्या है, 0। इतनी बात समझ में आ रही है सबको, एक बार बोलिए, एक बार बोल दीजिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, फ्रंटियर वाले तक किसी को कोई डाउट है तो बोल दीजिए, एक बार बोलिए जल्दी से। मान लीजिए मैंने ये मेटल जो लिया वो D6 ले लिया, जैसे ये दो डायग्राम मैंने यहाँ आपके सामने बना रखे हैं D7 और D8 का, और ये क्या है, D6 का, ये किसका है, D6 का। अगर ये नहीं समझ आ रहा तो एक बार बोल सकते हो आप, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा हो तो एक बार आप बोल सकते हो, बोलिए जी फटाफट से, एक बार दीजिए रिप्लाई कीजिए, कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा आपको, कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा आपको, जल्दी से बोलिए एक बार, जल्दी से एक बार बोलिए सभी, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, क्या लगता है क्या होना चाहिए, रिप्लाई फास्ट। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इनकी बात करता हूं यहां इस डायग्राम की, तो आपने एक चीज नोट की होगी, अगर मैं इसके D7 और ML वाला, ये वाला जब मैं बना रहा हूं जिसमें मेटल का कॉन्फ़िगरेशन है D7 और उसके साथ 5 लिगेंड लगे हुए हैं, तो मैंने देखिए जब इसको देखा तो मैंने देखा कि 5 तो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, 1 2 3 4 और 5, ये 5 तो क्या बन चुके, सिग्मा बॉन्ड बन चुके। और मैंने एक बात मेरे को पता है कि जो T2G जो मैंने बताए थे, T2G क्या बनाते हैं, T2G बनाते हैं पाई बॉन्डिंग के लिए इन्वॉल्व होते हैं, उनकी सिमेट्री क्या होती है, पाई बॉन्डिंग बनाने के लिए यूज होते हैं। ये आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो 6 का मतलब यहाँ मेरे पास ये कितने बने, 1 2 3 4 और 5, 5 का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ चुके हैं, और मेटल के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 प्लस 10 इज इक्वल टू 17, 17 में से मैंने 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, ये बात समझ में आती है सबको। और जो 6 पाई बॉन्ड के लिए थे T2G के अंदर, वो पड़े हैं जैसे मैंने यहाँ दिखाए आपको, ये वाले जैसे नॉन बॉन्डिंग है, क्योंकि अगर तक जब तक क्या होगा, पाई बॉन्डिंग कैसे इन्वॉल्व हुआ, यहाँ तो CO लिए के चलाइए, और यहां मैंने क्या बोला, सिग्मा लिगेंट है, जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा सिर्फ वही लिगेंट है, पाई एक्सेप्टर लिगेंट नहीं है, तो पाई बॉन्ड वहां नहीं बन रहा। एक इलेक्ट्रॉन फिर बचा, वो कहां है, वो ऊपर है, वो कहां है, ऊपर पड़ा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है, तो ये क्या है, इसका फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, क्या है, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इतनी बात समझ में आती है, क्या है, फ्रंटियर ऑर्बिटल। तो मैं इस D7 वाले कॉम्प्लेक्स के लिए देखूं तो मुझे पता चलता है कि इसका जो फ्रंटियर ऑर्बिटल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ 5 लिगेंड लगे हुए हैं, ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। अब इसको मैं किससे कंपैरिजन कर सकता हूं, ऐसा कार्बन मेन ग्रुप का मुझे ये बता दीजिए, जो डायग्राम मैंने बनाए मेन ग्रुप वाला ऐसा कौन सा था जिसके फ्रंटियर में एक इलेक्ट्रॉन था, भाई इसका फ्रंटियर ऑर्बिटल ये वाला और इस फ्रंटियर ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, और मेन ग्रुप का मैंने देखा तो CH4 के पास कितना था, इसके तो फ्रंटियर में 0 था। अगर मैंने यहाँ देखा CH3 डॉट वाले में, CH3 वाले में एक रेड, तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने देखा था, इसका जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड था उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, ये वाला क्या था, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इसका और इसके भी फ्रंटियर में एक इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो D7Ml5 है वो किसके साथ आइसोलोबल है, CH3 के साथ, किसके साथ आइसोलोबल है, CH3 के साथ। वेरी गुड इवनिंग राहुल, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो यहाँ किसके साथ होगा, D7Ml5 किसके साथ होगा, CH3 के साथ। बोलो भाई यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, बोलो फटाफट से, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, D7Ml5 CH3 के लिए, बोलिए एक बार जल्दी से, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, एनी डाउट,
किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? तो अब एक बात देखिए, जब यहाँ हम बात करेंगे, अगर मुझे दूसरा क्वेश्चन देखना चले, मैं चला D8 की तरफ। अब मैं कहाँ चला? D8 की तरफ। ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। अगर समझ आ रही है तो बोलिए। यहां तक यहां मैंने क्या बोल दिया, D7 LM5 किसके साथ आइसोलोबल है? CH3 के साथ। अगर मैंने D8 का डायग्राम देखा, D6 का मैंने ये बना दिया तुम्हारे सामने, D6 का मैंने सेम बना दिया यहां तुम्हारे सामने, D6 का बना लिया, ये रहा सेम है इसी टाइप से, ये तो सिग्मा बॉन्डिंग वाले हैं, और ये तीन T2G वाले यहां दिखा दो, यहां T2G वाले इलेक्ट्रॉन आपको दिखाने हैं तो यहां दिखा दो, ये लो पाई। अब यहां इसके फ्रंटियर में जीरो है, ये देख लो। तो D6 वाला किसके साथ होगा? CH4 वाले के साथ। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं? डी, ये तो यहां मेरे साइड यहां नीचे आ रहा होगा ना, ये वाला कट रहा है, एक मिनट रुको भाई, ये मेरे यहां नीचे इस साइड से मेरा फोटो आ रहा है तो ये कट रहा है। तो यहां देखो यहां क्या बनेगा, इसको थोड़ा सा मैं साइड में होके एक बार देख लीजिए आप। यहां मैंने क्या बनाया, D7, यहां डी, यहां सिक्स मेरे पास सिग्मा बन जाएंगे, सिक्स सिग्मा बन जाएंगे और पाई, और इसके फ्रंटियर में क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ये क्या है मेरे पास, सिक्स सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं ना, ये वाला लेके चले हम, क्या लेके चले इसके लिए, M6CO6। मेटल के पास सिक्स इलेक्ट्रॉन और उसके CO के पास भी सिक्स इलेक्ट्रॉन। बोलिए एक बार से, एक बार बताइए, यहाँ वाला इसमें फ्रंटियर में जीरो। D8 वाले से कंपेरिजन करो, D8 वाले से। D8 सिस्टम है, कोई भी मेटल जैसे आयरन है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और 4 लीगेंट लगे हुए हैं, तो मुझे पता है कि 4 तो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, 1, 2, 3 और 4, 4 क्या बना लेगा? सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। और जब 4 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा ये, तो मुझे पता है कि 4 सिग्मा बनाने से इसके 8 इलेक्ट्रॉन तो यहां इन्वॉल्व हो गए सिग्मा बॉन्डिंग के अंदर, 8 क्या हो गए सिग्मा बॉन्डिंग के अंदर, और बचे कितने अपने पास, अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल कितने है इसके पास, 16 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने हैं 16 इलेक्ट्रॉन है, और उस 16 में से 8 तो सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं और 6 कहां आ चुके हैं, पाई बॉन्डिंग, जिनको मैं क्या बोलता हूं, T2G ऑर्बिटल वाले में, क्या आ चुके हैं, T2G ऑर्बिटल वाले के अंदर आ चुके हैं। तो अब यहां देखिए, 8 यहां आ चुके हैं, 6 यहां आ चुके हैं, 14 हो चुके हैं, 2 बचे हुए हैं, 2 ऊपर आ गए, इनको मैंने क्या बोला, फ्रंटियर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और इनको कैसे रिप्लेस, कैसे सिखाओगे, इस टाइप से अगर मैं दिखाता हूं तो इसके साथ 4 लिगेंट लगे हुए हैं, ये वाले 4 लिगेंट लगे हुए हैं, और ये 2 क्या है मेरे पास ऑर्बिटल फ्रंटियर, जिनके अंदर क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। तो इसके फ्रंटियर में 2, यहाँ 1 था और यहाँ 1 था, तो जब 1 वाला केस था तो वो किससे कंबाइन हुआ, CH3 वाले से। अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो ये किससे होगा, 2 तो यहाँ है और ये केस किसका है, CH2 का। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो D8 वाला सिस्टम है, ये जो D8 वाला सिस्टम है, ये किसके साथ आइसोलोबल होगा, ये लिख सकता हूँ D8ML4 किसके साथ आइसोलोबल होगा, CH2 के साथ। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? इसी टाइप से एक और कम कर दोगे तो उसके फ्रंटियर में 3 आ जाएंगे, तो वो किसके साथ हो जाएगा, CH के साथ हो जाएगा। बोलिए एक बार जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से एक बार बोल दीजिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार जल्दी से बोलिए कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए एक बार जल्दी से, एक बार रिप्लाई कीजिए कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, एनी डाउट? फ्रंटियर ऑर्बिटल का केस आपको समझ आना चाहिए, बोलिए एक बार जल्दी से, जल्दी से एक बार रिप्लाई कीजिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को कोई डाउट है? ये फ्रंटियर वाला ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आगे आगे जब तुम क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट, अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा जब हम इस मामले को निपटाएंगे। अब देखिए मैंने यहां क्या दिखाया आपको कि D6ML6 ये किसके साथ आइसोलोबल था, CH4 के साथ। CH4 के साथ था कि नहीं था? था सर, बिल्कुल था। किसके साथ था? CH4 के साथ। आ रही है बात समझ में? CH4 के साथ ये वाला था, क्या था ये वाला, CH4 के साथ। और मैंने क्या किया, जैसे D7 किया तो ये किसके साथ हुआ, CH3 डॉट के साथ। कैसे हुआ वो बताइए। अब मुझे एक बात बताइए, जो भी देख रहे हैं एक बात बताइए कि यहां तो मैं समझ में आती है मेरे को कि D7 वाले में 7 इलेक्ट्रॉन और एक अगर L का 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करूं
तो ये 10 इलेक्ट्रॉन ये टोटल बन जाते हैं 17 इलेक्ट्रॉन। क्या बन जाते हैं? 17 इलेक्ट्रॉन टोटल बन जाते हैं ये वाले। और ये आइसोलोबल का साइन इसके साथ दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। ये बात तो हमको समझ आती है सर, क्योंकि 17 वाले में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कितना हो गया? 18-1, और यहाँ 8-7, 18-17, यहाँ 1 और यहाँ भी 1। ये तो डेफिशिएंसी समझ आती है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ उस फ्रंटियर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग, तो अभी हमने देखा था D7 के केस में कितने इलेक्ट्रॉन थे? D7 के फ्रंटियर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन था। और अगर यहाँ CS3 का देखा तो वहाँ भी कितना था? 1 इलेक्ट्रॉन था। ये बात समझ में आनी चाहिए। जब इनका क्या मिल रहा हो हमें, फ्रंटियर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स भी क्या मिल रहे हो? सेम मिल रहे हो, तब जाकर हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? आइसोलोबल है। बोलिए भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? जल्दी से एक बार बोल दीजिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए एक बार बोलिए। इसमें किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? जल्दी से बोल दीजिए। अभी ये चीज़ जो समझाई है वो यहाँ लिखी हुई है सिर्फ, और कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं किया हुआ। कि D8 मेटल का कोई भी होगा जिसके साथ 4 लिगेंड होंगे, वो CH2 के साथ क्या हो जाएगा? आइसोलोबल हो जाएगा। ये बात किस किस को समझ आ रही है? ये बात किस किस को समझ आ रही है बताइए एक बार। D9 वाला कोई मेटल हुआ और उसके साथ 3 लिगेंड लगे हुए हुए, तो उसका क्या हो जाएगा? CH3 वाले के साथ वो क्या हो जाएगा? CH वाले के साथ क्या हो जाएगा? CH वाले के साथ क्या होगा? आइसोलोबल होगा। यहाँ तक तो मामला समझ में आता है, ये तो हमने देख लिया। इलेक्ट्रॉन काउंट से भी आप बता सकते हो, आप इलेक्ट्रॉन काउंट से बताना चाहोगे तो भी बता दोगे। मैंने MO डायग्राम से बता दिया आपको, डायग्राम बना के हमने देख लिया उसका, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के देख लिया कि कैसे बनेगा। अगर मैं इनको देखने जाऊं तो कैसे एक्सप्लेन करूंगा? यहां तो मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, और यहां मेरे पास आप काउंट करोगे तो 3 बोरोन का और प्लस 1 हाइड्रोजन का, और 1 माइनस करने के बाद ये कितना बचा मेरे पास है? यहाँ 3+1-1, तो यहाँ मेरे पास कितना बचा? 3 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ तो 3 काउंट आता है। और यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ मेरे पास है 3+2, 5 इलेक्ट्रॉन काउंट आता है। तो मुझे बताएं एक बार कि ये कैसे इनके साथ आइसोलोबल हो गए, 7 वाला 3 वाले के साथ और 5 वाला 3 वाले 7 वाले के साथ और 17 वाले के साथ। इसका मतलब तो यही दिखा है रखा है कि 17 वाला आइसोलोबल किसके साथ? 17 वाला 7 वाले के साथ तो जचता है सर, 17 वाला 7 वाले के साथ तो ठीक बैठता है। बट 3 वाले का और 5 वाले का कैसे? 3 वाले का और 5 वाले का कैसे होगा? 3 और 5 वाले का कैसे होगा थोड़ा सा ये बताएं, कोई बताना चाहेगा? 3 और 5 वाले के साथ आइसोलोबल कैसे हो गया? इसी टाइप से मैं अगर यहाँ देखता हूँ, अगर मैं यहाँ इसका कलर चेंज करके लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो मैं यहाँ मानता हूँ कि 8 इलेक्ट्रॉन तो डी वाली मेटल के हो गए और 8 ही इलेक्ट्रॉन किससे हो गए, तो यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन है पहले कॉम्प्लेक्स में, और ये आइसोलोबल दिखा रखा है कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन के 6 इलेक्ट्रॉन के साथ। और फिर इसको आइसोलोबल इस BH यूनिट के साथ दिखाया है जिसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है? जिसका इलेक्ट्रॉन काउंट मुन्ना 4 है। अगर आप डेफिशिएंसी वाला भी लगाते हैं तो यहाँ तो समझ आता है कि 18-16 करने पे 2 आता है और 8-6 करने पे 2 आता है, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी सेम है। बट ये BH4 वाला क्या मामला है? BH4 वाला क्या मामला है जल्दी से बताएं, जल्दी से एक बार, किसी को कुछ आइडिया हो तो बोले, किसी को कोई आइडिया हो तो एक बार बोल दिया जाए जल्दी से, एक बार जल्दी से बोल दिया जाए किसी को कोई आइडिया हो तो। अगर किसी को कोई आइडिया हो तो अपना रिप्लाई दे सकता है, बोल सकता है कि सर ऐसा होगा। देखो भाई, अगर मैं BH के पास देखूं तो कितना इलेक्ट्रॉन है? अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 तो 2 तो यहाँ यूज हो चुका है, ये वाला 2 यूज हो चुका है, 1 प्लस का साइन हो गया तो 1 कम और हो गया, तो बचा कितना? सिर्फ 1। तो इसके फ्रंटियर वाले में तो कितना बचेगा? सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। BH2 का केस कर लो, BH2 के केस में देखो बॉन्डिंग में कितने आ गए? 2 तो बॉन्डिंग में आ चुके, 2 यहाँ आ चुके और 2 यहाँ आ चुके, 4 तो बॉन्डिंग, बचा कितना? 1। तो ऐसा ही तो बचा। अगर मैं यहाँ इसको देखूँ तो इसके भी तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है आउटर फेरेंटियर ऑर्बिटल में जो कि अवेलेबल है। बोलो भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट है कोई? तो इसका भी हम देख सकते हैं, D8 वाले के केस में भी देख लो आप। अगर यहाँ BH की बात करूँगा तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, और यहाँ भी कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ये देख सकते हो आप। आ रही है बात समझ में? ये वाली आ रही है बात समझ में? ये वाली तो आपको अगर ये बोल के दे देता वो, इस D8 की जगह मैं लिख लेता हूँ FeCO4,
और आपको बोल देता कि ये बी एच के साथ आइसोलोबल होगा या नहीं, तो क्या होगा? हो जाएगा, देख लीजिए कैसे होगा, ये लिख रखा है आपके सामने है। आ रही है बात समझ में? ये वाली बात समझ में आ रही है सबको? जितने देख रहे हैं, जिनको समझ में आ रही है एक बार क्या करेंगे, थम्स अप कर देंगे भाई, एक बार क्या कर देंगे, यस बोल देंगे जिसको ये मामला समझ में आ रहा है। क्वेश्चन ऐसा ही आता है, अरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला तो तुम कर लोगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला तो तुम कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाले में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाले में कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती। वेरी गुड इवनिंग अभी, वेरी गुड इवनिंग, हेलो हेलो नरेंद्र, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए भाई, जल्दी से एक बार बताएं इसका आंसर बताएं जल्दी से, क्या लगता है मामला समझ में आ रहा है ये वाला मामला समझ में आया सबको? जल्दी से बताएं, ये वाला मामला सबको समझ में आया? बोलिए एक बार से, जल्दी से बोलिए, एक बार जल्दी से बोल दीजिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपके लिए एक केस यहाँ लगा दिया है, इस केस को देखिए। मैंने यहाँ बोला कि मेरे पास D7M5 किसके साथ आइसोलोबल है, CH3 के साथ। ये हम अब जाके देख भी आ चुके हैं, यहाँ अगर आपने स्ट्रक्चर में देखा होगा तो यहाँ मैंने बताया था D7 वाला किसके साथ है आइसोलोबल है, किसके साथ, CH3 के साथ। यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब देखिए, अब मैंने क्या यहाँ एक आइटम लिखा हुआ है, और आइटम के तौर पर आपके पास मैंने एक कार्बन लिया है और इसके साथ तीन ग्रुप लगा रखे हैं, और इन ग्रुप के साथ मैंने क्या बोला हुआ है, एक एक इनका फ्रंटियर ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन रखा, और इनका क्या करवाया मैंने, बूटरगू करवाया। दोनों को जब जोड़ दिया गया तो उसके बाद देखिए क्या किया गया, जब दोनों को जोड़ा गया तो क्या बना, अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन, और अगर इसर से मैं CH3 लिखता हूँ तो CH3 के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। ये लीजिए, ये बात समझ में आ रही है सबको? तो इसका फॉर्मूला ये, अगर C2H6 है, और अगर यहाँ इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ ये कहीं मेरे पास मैग्नीज रहा होगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और ये इसके पास पांच अलग से लिगेंड, चार लिगेंड इसके पास अलग से, MCO5। ये लीजिए, अगर मैं ऐसे बनाता हूँ तो, अगर इसको भी मैं अगर लिखता हूँ तो सेम सिचुएशन इसके साथ होगी, सेम सिचुएशन यहाँ होने वाली है, 1, 2, 3 एंड 4 और 5। अब देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है मेरे पास, MN2CO10। अब देखिए, ये वाला जो चीज़ मैंने बनाया, ये कॉम्प्लेक्स बनाया, ये आइसोलोबल कैसे हो गया? अब देखो, अभी हम देख के आए थे उसमें क्या था कि यहाँ मेरे पास D7ML5 किसके साथ था, CH3 वाले के साथ था कि नहीं था। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो ये वाला देख लो एक बार, ये वाला MO डायग्राम से मैंने समझाया था कि कैसे होता है, क्योंकि इनके फ्रंटियर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन बचा होता है। बोलो एक बार फटाफट से बोल दो, ये मामला समझ में आया सबको, ये मामला किस किस को फिट बैठा है। तो मैंने क्या बोला, सिंपल सा लास्ट में मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। बोलिए जी, D7ML5, अगर मैं इसको देखूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये तो मेरे पास क्या रहा होगा, ये तो मेरे पास यहाँ तो मैग्नीज रहा होगा, और यहाँ मेरे पास इसके साथ पाँच CO लिगेंड रहे होंगे, और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इधर से किसका आया होगा, CH3 का आया होगा। तो ऐसे लिख सकता हूँ इसको, इधर नीचे तो नहीं हो रहा, ऊपर लिखता हूँ, इधर अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगा, MnCO5, और साथ में क्या लगा दोगे, CH3। बोलो रे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोल दीजिए एक बार, यस और नो, डाउट है या नहीं, यस और नो। इसमें ये समझ में आता है, एक आइसोलोबल अगर दूसरे के साथ है तो हम उसके फ्रेगमेंट को क्लस्टर के अंदर चेंज कर सकते हैं, एक फ्रेगमेंट को दूसरे के साथ क्लस्टर में हम चेंज कर सकते हैं। जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दोगे सभी कि सर बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, बता सकते हैं, बना सकते हैं, जल्दी से एक बार बोल दो। ये वाला मामला फिट बैठ गया सबको? अगर ये वाला मामला फिट बैठ गया तो आगे चलते हैं। आगे ये क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है स्क्रीन के ऊपर, धुआंधार क्वेश्चन है ये, जबरदस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए मुझे,
मैं आपको बोल दूंगा कि आपको समझ आ गया है, समझ आ गया है। मैं बोल देता हूं कि आपको समझ आ गया है, अगर आप बता दो कि विच वन आयरन इनमें से किसके साथ आइसोलोबल होगा, आइसोलोबल किसके साथ होगा, किसके साथ आइसोलोबल होगा, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। अगर आपसे आंसर पूछा जाए कि ये किसके साथ आइसोलोबल होगा दोनों में से ए एंड बी के साथ, परफेक्ट आंसर कौन सा होगा, परफेक्ट मैच कौन सा होगा, आइसोलोबल का मैच परफेक्ट कौन सा होगा, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए एग्जाम के अंदर तो बताइए, जल्दी से एक बार आंसर कीजिए क्या रहने वाला है इसका आंसर, जल्दी से एक बार बोल दीजिए क्या आंसर रहने वाला है इसका। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ लूँ कि आप इसमें से मुझे बता दीजिए कि FeCO4 चार कार्बोनिल है और एक CH3 पॉजिटिव है और एक CH2 है, दोनों में से कौन सा आइसोलोबल होगा, जल्दी से बताएं एक बार, क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या लगता है तुमको, क्या लगता है तुमको, बोलिए जल्दी से एक बार, जल्दी से एक बार बोल दीजिए, एक बार जल्दी से बोल दीजिए क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या लगता है तुमको कि कैसा क्या मामला बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, कैसा मामला होना चाहिए, जल्दी से बोलिए एक बार, जल्दी से एक बार रिप्लाई कीजिए, फास्ट रिप्लाई, जल्दी से और जल्दी से रिप्लाई कीजिए, फास्ट जितना जल्दी हो सके। क्या होगा, देखो भाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, तुम्हारा तो काम इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, तुम क्या बोलोगे 4+2, सर ये तो बन गया 6 इलेक्ट्रॉन, ये तो बन गया 6 इलेक्ट्रॉन, और इधर तुम गए तो तुमने बोला कि सर 4+3 और एक प्लस का तो एक माइनस कर दिया और ये भी क्या बन गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो यह मामला फंसने वाला है, दोनों के अंदर क्या आ चुका है 6-6 आ चुका है, दोनों के अंदर क्या आ चुका है 6-6 आ चुका है, यहाँ भी 6 आ चुका है और यहाँ भी 6 आ चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट देखना पड़ेगा आयरन का, और जब हम आयरन का देखने गए तो 8+8 कितना हो गया 16। तो अगर मैं डेफिशिएंसी वाले तरीके से सोचता हूँ, अगर मैं डेफिशिएंसी वाले तरीके से सोचता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि सर यहाँ मैंने देखा ये भी 8 से डेफिशिएंट, क्योंकि ये तो मेन ग्रुप का है, ये तो मेन ग्रुप का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8-6 करोगे तो तुम बोलोगे यहाँ तो 2 का डेफिशिएंसी आ रहा है, और यहाँ भी तुम 8-6 करोगे तुम बोलोगे सर यहाँ भी डेफिशिएंसी 2 का आ रहा है, और जब हम इधर कंपेयर करते हैं तो 18-16 करते हैं तो यहाँ भी डेफिशिएंसी 2 का आ रहा है। अब ये आयरन FeCO4 आइसोलोबल किसके साथ होगा, किसके साथ आइसोलोबल होगा, बोलिए फंस गए ना, आइसोलोबल, आइसोलोबल अब ये किसके साथ आइसोलोबल होगा ये बताइए। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो तुम क्या करोगे, बोलो क्या करोगे, क्या क्या लगाओगे, आंसर क्या लगाओगे, तुक्का ही तो लगाओगे क्योंकि तुमने पढ़ नहीं रखा ये वाला चीज, अभी तुमने ये वाली चीज पढ़ी नहीं है। जिसने पीछे का लेक्चर देखा है वो तो आंसर दे सकता है, जिसने पीछे का लेक्चर देखा है, ये वाला लेक्चर स्टार्टिंग से देखा है, पीछे स्टार्टिंग से जिसने भी देखा है वो आंसर दे सकता है इस लेक्चर का, जिसने आंसर देखा है, बोलो भाई जल्दी से एक बार जल्दी से आंसर कीजिए, जिसने भी पीछे स्टार्टिंग से इस लेक्चर को देखा है वो आंसर कर सकता है और इजिली बता सकता है कि इसका क्या होने वाला है, इजिली आंसर दे सकता है वो इसका कि सर ये वाला ऐसे हो सकता है, मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, बोलो मुन्ना बोलो जल्दी से एक बार बोल दो, कुछ मामला फिट बैठ रहा है यहाँ वाला। तो यहाँ अगर मैं देखने जाऊँगा तो मैंने आपको एक ही बात बोली थी कि वहाँ हमने 2 टाइप का देखा था, मैं चला था CH4 के पास, मैं चला था CH3 के पास, CH2 के पास, इसको मैंने कंपैरिजन किया था D6Ml6 से, इसको मैंने कंपैरिजन किया था D7Ml7 से, Ml5 से, और यहाँ मैं चला था D6Ml4 के साथ। तो चीज़ें ऐसे कुछ बनाई थी हमने, किसी को याद नहीं है तो देख लो एक बार गुरुदेव, देख लो ये लो, ये लो, ये देख लो, D7 वाले को किसके साथ किया था CH3 के साथ, और CH2 को किसके साथ किया था D8 वाले के साथ, किसके साथ किया था D8 वाले के साथ, और चार लिगेंड जिसके साथ हो, D8 मेटल हो और चार लिगेंड हो, बोल दो रे अब तो समझ आ गया होगा, बोल दो एक बार, बोल दो एक बार, अब तो बता दोगे, अब तो बता दोगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, अब तो कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है आयरन का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 4s2 3d6, तो ये क्या बनता है
डी एट सिस्टम ही तो बनेगा, क्या बनेगा, डी एट सिस्टम। और ये डी एट है और साथ में इसके क्या है, ये मेटल आयरन हो गया और इसके साथ क्या है, चार लिगेंड लगे हुए हैं। तो ये डी एट एम एल फोर किसके साथ जाएगा, सी एच टू वाले के साथ जाएगा, फ्रंटियर ऑर्बिटल को देखते हुए तुम क्या बोलोगे यहाँ आइसोलोबल के लिए। अगर सी एच टू ना दिया हो, अगर क्वेश्चन के अंदर सी एच टू ना दिया हो ऑप्शन के अंदर, तो तुम ये लगा देना डेफिशिएंसी वाले से। और जब डेफिशिएंसी सेम हो जाए तो हमें क्या देखना है, हमें फ्रंटियर ऑर्बिटल से ही देखना पड़ेगा, फ्रंटियर ऑर्बिटल की सिमेट्री, नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स और सारा उनका सारा इलेक्ट्रॉन काउंट वगैरह देखना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। जल्दी से एक बार बता दीजिए, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो एक बार जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दीजिए कि सर इसमें यहाँ डाउट है, है तो बताइए, नहीं है तो बताइए, जल्दी से बताइए कि यहाँ कोई डाउट लग रहा है आपको कि क्या होना चाहिए, कि क्या मामला फिट बैठना चाहिए, जल्दी से एक बार रिप्लाई दीजिए, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके एक बार रिप्लाई कीजिए, जल्दी से जल्दी एक बार रिप्लाई कीजिए सभी। इसमें बताइए मुझे, किसी को कोई डाउट लग रहा है क्या, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, यहां तक इस क्वेश्चन में भयंकर क्वेश्चन है ये। अगर देखा जाए तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता, सीएसआईआर नेट में आ गया कभी, सीएसआईआर नेट में कभी आ गया, और जो सिर्फ ये लगाते हैं 8-6, 8-6, 18-6 वाला, तो वो फंसेगा कि नहीं फंसेगा, बोल दो रे मुन्ना एक बार कि फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा, बोल दो एक बार फंसेगा कि नहीं फंसेगा, ये बिल्कुल फंसेगा, क्यों नहीं फंसेगा, फंसेगा, बोल दो एक बार सभी एक बार, जल्दी से एक बार बोल दिया जाए, जल्दी से एक बार बोल दिया जाए कि हाँ बिल्कुल सर इसमें दिक्कत आ जाएगा उसको, आ रहा है यहाँ तक समझ में, बोलो भाई एक बार बोल दो, बोल दिया जाए, बोल दिया जाए, नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर, लगाओ जी। अब मैंने जो चीज़ें अब तक आपको सिखाई है उनका सार है ये, उनका सार है ये, ये सिंबल होता है आइसोलोबल एनालॉजी का, कि एक फ्रेगमेंट दूसरे के साथ क्या है, आइसोलोबल है। ये चीज़ें क्या होती है, ये वाली जो चीज़ है ये सिंबल है, ये दिखाता है कि ये वाला आइसोलोबल है दूसरे के साथ, दोनों फ्रेगमेंट में सारी सिमेट्री वगैरह क्या है, सेम है। अभी हमने देखा था सी एच टू वाले को देखा था और इसके साथ क्या देखा था, एफ ई सी ओ फोर। अब देखिए यहाँ डी एट बनना चाहिए तो यहाँ क्या बनना चाहिए, डी सिक्स वाला ले लो, डी सिक्स वाला ले लो, आपको कुछ भी दे सकता है, डी सिक्स वाला तो आपको कुछ भी दे सकता है, जिसमें क्रोमियम, सबसे पहले क्या ले लिया मैंने, क्रोमियम ले लिया, क्या ले लिया, क्रोमियम, क्रोमियम वाले का हमें पता है कितना बनेगा, सिक्स ही तो बनेगा, क्रोमियम वाला सिक्स बनेगा। अगर मैं क्रोमियम से आगे चलता हूँ मैग्नीज के साथ, तो मैग्नीज तो सात होता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सी ओ सिक्स, और यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, क्रोमियम सी ओ सिक्स, एक मिनट रुको, यहाँ क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए मैंने क्रोमियम मेटेरियल ले ली, तो ये तो छह ही बनेगा। अगर मैं मैग्नीज लूँगा तो मुझे पता है कि ये सिस्टम डी सेवन बन जाएगा, इसलिए मुझे इसके ऊपर एक पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, ये नंबर ऑफ लिगेंड तो सेम ही रहेंगे, छः छः का कॉम्बिनेशन बनाने चलते हैं। और इसके बाद मैग्नीज के बाद मैं फिर आगे जाता हूँ आयरन की तरफ, आयरन की तरफ जाऊँगा तो टू पॉजिटिव में लूँगा, आ रही है बात समझ में, तभी जाके ये क्या बनेगा, डी सिक्स सिस्टम बनेगा। बोल दो भाई एक बार यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो, जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से एक बार बोल दो। इन सबको लगा सकते हो अब तो, सी एस थ्री में डी सेवन वाला कोई भी सिस्टम उठा लो, मान लीजिए मैंने मैग्नीज वाला उठा लिया, एम एन सी ओ फाइव, मैग्नीज का क्या सिस्टम है, डी सेवन ही तो है, या भाई पाँच डी के अंदर है और दो एस के अंदर है, तो वैलेंस सेल में तो सात इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो इसलिए क्या बोलते हैं, डी सेवन सिस्टम, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन। सी एच टू को कंपेरिजन करना है, सी एच टू को कंपेरिजन करना है, तो डी एट तो मैंने देखा ही है आयरन वाला, अभी मैं देख के आया हूँ एफ ई सी ओ फोर आयरन वाला, यही तो देखा था बिल्कुल आराम से, आ रही है बात समझ में। डी नाइन वाला बता दो, कोबाल्ट को ले लो, कोबाल्ट सी ओ थ्री किसके साथ आइसोलोबल हो जाएगा, सी एच के साथ हो जाएगा। अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी से देखते हो तो ये ले लो कोबाल्ट सी ओ थ्री, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फोर, और यहाँ अगर मैं इसके साथ आइसोलोबल देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, नाइन प्लस सिक्स कितना हो जाएगा, कोबाल्ट का कितना हो गया, 9 प्लस 6, ये 5 करो 9 प्लस 6 15, यहाँ डेफिशिएंसी 8-5 करते हो तो डेफिशिएंसी 3 आती है, यहाँ 18-15 करते हो तो डेफिशिएंसी 3 आता है। जब डेफिशिएंसी सेम हो जाता है तो हमें पता है
कि वो दोनों ग्रुप क्या होते हैं, आइसोलोबल। आपसे क्वेश्चन डेफिशिएंसीज है, 100% आपका क्वेश्चन बन जाता है। अगर बायर वास्ते रजन खुदा आपको क्या कर दिया जाए, थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम में डालना चाहे, अगर प्रॉब्लम में डालना चाहे एग्जामिनर और आपको क्या कर दे, प्रॉब्लम में डाल के और आपको क्या कर दे, इस टाइप का बना दे जैसा अभी हमने देखा था CH2 और CH3 पॉजिटिव वाला केस बनाया था। ऐसा केस जब बन गया तो आपको क्या कर लेना है, ये सिस्टम चेक कर लेना, इस टाइप के सिस्टम चेक कर लेना कि मेटल D7 है या नहीं है, उसके साथ लगे हुए लिगेंड 4 है कि 5 है, ये वाली चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी उस टाइम पे। जब क्वेश्चन फंस जाएगा तब देखना पड़ेगा, जैसा कि अभी ये क्वेश्चन फंसा था एक बार पहले, अभी ये क्वेश्चन फंसा था आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन अभी आपके लिए फंसा था कि नहीं फंसा था, एक बार बोल दो रे सारे कि सर बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन फंस गया था। आ रही है बात समझ में, ये वाली बात किस किस को समझ में आ रही है, जल्दी से एक बार बोल दो भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। वैसे चेक करने को आप देखो कितनी आसानी से बता सकते हो, लो जी हमें तो डेफिशिएंसी से बताना है, बिल्कुल डेफिशिएंसी से तुम बता सकते हो। मैंने क्या लिया इसका, 4+3 7 इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी कितने की है, 1 की है। मैंने यहाँ क्या लिया, 7+10 क्या बना, 17 वाला सिस्टम, 17 वाले में भी डेफिशिएंसी कितने की है, 1 की है। तो ये आ तो रहा है, बट अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको इसीलिए पहले वो क्वेश्चन करवाया ताकि आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चल सके। बोलिए मुन्ना लोग क्या लगता है, जल्दी से बोलिए क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए, क्या लगता है, जल्दी से बोलिए एक बार से, जल्दी रिप्लाई कीजिए, क्या लगता है क्या होना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई भी डाउट हो तो बोल दो एक बार। अब आ जाते हैं यहाँ क्वेश्चन पे, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अगर तुमसे बोल दिया जाए कि इन सब के बारे में बताना है, मामला क्या रहने वाला है आइसोलोबल का, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ हमें क्या करना है, तीनों में से निकालना है कि कौन किसके साथ आइसोलोबल है, इन दोनों में से मुझे चेक करना पड़ जाए कि आइसोलोबल किसके साथ है, तो मैं अगर इसको देखता हूँ तो ये क्या बनेगा। अगर मैं सबको देखूँ, अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉन काउंट देखूँ या सब कुछ देखूँ, तो मुझे पहले तो क्लोजोनिडो चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, क्लोजोनिडो। और जब मैं क्लोजोनिडो चेक कर लूँगा तो उसके बाद मैं क्या कर लूँगा, इनके क्लोजोनिडो चेक कर लो सबसे पहले, तो जिसके साथ क्लोजो आ गया तो क्लोजो के साथ हो जाएगा। तो देखो भाई इसको देख लो, ये वाला सबसे पहले हमें पता है कि BnHn यूनिट हो और 2 नेगेटिव हो तो क्या बन जाता है, क्लोजो बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है सर। तो यहाँ तो मेरे पास B5H5 है, ये तो क्लोजो है, और यहाँ भी इसको भी टू करो माइनस का, यहाँ भी क्या हो जाएगा, BnHn2-, तो ये भी क्या बन गया, क्लोजो। तो मीन्स ये भी क्लोजो, अब दोनों में मामला फंस जाएगा अगर ये क्लोजो आ गया तो। अगर ये क्लोजो आ गया तो फिर क्या चेक करोगे, बोलो भाई जल्दी से, फिर क्या चेक करोगे। अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके सामने और आपको बोल दिया जाए कि ये दोनों क्लोजो है, उसके बाद बताइए सर क्या करेंगे। मान लीजिए अगर इसको चेक करना था तो हमें पता था N+X लगाते थे हम, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आएगा, 9 × 6+32, ये अपने पास आ गया 5486, क्या आ गया 84 86 12 × n n की वैल्यू 6/2, और n का वैल्यू कितना है, 6+x = 86 − 72/2, और ये आ जाएगा अपने पास 7, x का वैल्यू +1 के लिए अपने को पता है क्या होता है, क्लोजो। ये लो मामला फंस गया, सारे तीनों क्लोजो है, अब कैसे चेक करेंगे बोलिए जल्दी से बोलिए कैसे चेक करेंगे। अब मैंने एक बात बताई थी, अब आप चेक कर लो कि फ्रेमवर्क के अंदर इलेक्ट्रॉन, या आप बोल दो क्लस्टर इलेक्ट्रॉन, क्लस्टर के बॉन्डिंग के अंदर, क्लस्टर बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लस्टर बॉन्डिंग के अंदर अगर मैं बात करूं क्लस्टर बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो आप कैसे चेक करोगे। हमने देखा था एक BH यूनिट कितने देती थी, 2 इलेक्ट्रॉन देती थी, डिटेल में पढ़ लिया था। और जब BH को N कर देता था तो मैंने यहाँ इसको क्या बोल दिया था, 2N इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये क्लस्टर बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन देगा, ये 6 × 2 = 12, और 2 माइनस का है तो +14, यहाँ तो 14 इलेक्ट्रॉन आने वाला है,
और अगर इसके लिए बात करूंगा तो 5 × 2 + 2 और ये कितना आएगा 12, यहाँ 12 आ रहा है। अब देखिए अब इसका चेक कर लो, अब इसका चेक कर लो, इसका चेक करना बहुत आसान था, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट माइनस 12 n, ये क्या आ जाएगा क्लस्टर बॉन्डिंग का। टोटल n कितना कितना था टोटल 86 माइनस 72 ये कितना आ गया मेरे पास 14, ये कितना आ गया 14, ये क्या थे फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन थे, क्या थे फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन, ये मैंने कल करवा दिया था फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन, ये मैंने कल करवा दिया था आपको, ये सारा सिस्टम मैंने कल आपको करवा दिया था। बोलो कि नहीं करवा दिया था कि करवा दिया था, बोलो भाई करवाया था कि नहीं करवाया था। तो क्या बोल दोगे, क्या बोल दोगे कि अगर मुझे बताना हो रोडियम 6 CO16 किसके साथ आइसोलोबल है तो क्या बोलोगे B6H6 2- के साथ। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, जहाँ किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। बोलो भाई एक बार जल्दी से एक बार बोल दो, जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जल्दी से जल्दी बोलिए एक बार, फास्ट, वेरी फास्ट स्पीड से जल्दी से आंसर दीजिए कि क्या होना चाहिए आंसर, कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए इसका, रिप्लाई फास्ट। बहुत बढ़िया भाई, जल्दी से आंसर कर दो एक बार, जल्दी से एक बार आंसर कर दीजिए, एक बार जल्दी से आंसर कर दीजिए, बोलिए जी जल्दी से आंसर कीजिए फास्ट। बहुत बढ़िया जी, बोलो भाई यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोल दो, ये मामला क्लियर है सबको, यहाँ तक का मामला सबको क्लियर है तो बोल दो एक बार, जल्दी से जल्दी बोल दो यहाँ तक का मामला क्लियर है सर बिल्कुल, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस भी करने हैं, अभी तो हमें प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस भी करने हैं, अभी तो क्वेश्चंस भी करने हैं। उससे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो है आपस में सारे आइसोलोबल है या नहीं है, ये वाला इसके साथ आइसोलोबल होगा या नहीं बताओ, ये एरो तो बाद में लगेगा, अगर हुआ तो 4 + 2 करता हूँ तो 6, यहाँ 8 + 8 ये तो हम देख के आए थे बिल्कुल, ये 16 और ये 16 ये क्या है आइसोलोबल है। अगर मैं इसके साथ चलता हूँ तो 5 + 8 + 2 + 1 ये भी कितना बनेगा 16, तो ये भी क्या है आइसोलोबल, ये भी क्या है 16। अगर यहाँ चलता हूँ तो 5 + 9 + 2 ये कितना बन गया 7 + 9 ये भी आइसोलोबल, और ये मेरे पास क्या बन गया 4 + 2 ये भी 6, ये भी उसके साथ आइसोलोबल। बैक साइड से चलो, ये वाला मीन्स इसके साथ आइसोलोबल, रुथेनियम 6 + 8 रुथेनियम रोडियम करते हैं तो रुथेनियम आयरन रुथेनियम है तो 8 + 8 तो ये भी 16, तो यहाँ भी सब में डेफिशिएंसी। Pt का 10 + 4 ये 4 ये कैसे हो गया निकल प्लेटिनम 10 + 4 तो ये तो नहीं बनेगा, ये तो नहीं बनेगा क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ से अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन आए तो ये 14 नहीं बनेगा, ये वाला इसके साथ मामला जम नहीं रहा, ये वाला मामला इसके साथ जम नहीं रहा। देख लीजिएगा एक बार फिर से इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, अगर डेफिशिएंसी सेम आ जाए, अगर डेफिशिएंसी सेम आ जाए तो क्या करोगे, ये लीजिए ये इसका 10 इलेक्ट्रॉन + 4 इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ 3 तो होता तो मामला जच जाता, अगर 3 तो होता तो मामला जमा लेते, आ रही है बात समझ में, तो यहाँ अपने पास ये 14 नहीं बन रहा भाई, ठीक है आ रही है बात समझ में, ये जितने आइसोलोबल है वो देख लिए, आ रही है बात समझ में सबको, देख लोगे ये वाले, बोलो भाई क्योंकि पीटी के पास 10 है और एक सीओ 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो ये कितना बना टोटल 14 बना। बोलो जी निकल पीडी और पीटी ये वाले सबके आगे वाले में भी कितने बनेंगे, इतने ही बनेंगे 14 ही बनेंगे, क्या बनेंगे 14 ही, क्या बनेंगे 14। बोलो जी जल्दी से एक बार जहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट इनको लगाइए, इनमें से आपको बताना है कि ये सीरीज सही है या नहीं, यस और नो, ट्रू और फॉल्स बता दीजिए, रोंग राइट और रोंग, राइट और रोंग, राइट और रोंग बताना है आपको कि ए बी सी यूनिट में से कौन सी रोंग है कौन सी राइट है, कौन सा सीक्वेंस सही है कौन सा गलत है,
इनमें से कहीं ना कहीं गलती है, वो गलती आपको पकड़नी है। गलती कैसे पकड़ोगे? 4 + 2 = 6 या 4 + 2 = 6 या 8 + 8 = 16 मामला सही बैठ रहा है, और यहाँ 8 + 8 = 16। तो पहले वाला रो तो क्या है? राइट है। क्या लिख दोगे? ए तो क्या है? राइट है। ए तो राइट है। और बी के लिए चलते हैं तो 4 + 3 = 7, यहाँ चलेंगे तो 3 + 3 यहाँ लिखो 4 + 3 4 + 3 = 7 और यहाँ मैंने 3 + 1 किया तो 7 ये बना। और यहाँ अगर बात करता हूँ तो 8 + 10 - 1 8 + 10 - 1 ये कितना बनेगा? 17 बनेगा। और यहाँ बात करता हूँ तो 7 + 10 ये भी 17 बनेगा। बोलो भाई यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? अभी देखो इसकी बात करता हूँ तो 4 + 3 - 1 ये तो 6 बनेगा बिल्कुल, और ये वाला 3 + 3 ये भी 6 बन जाएगा, तो ये दोनों तो आइसोलोबल होंगे। यहाँ अगर बात करता हूँ तो 6 + 10 + 1 और ये कितना बन गया? 17। तो यहाँ मामला गड़बड़ है। यहाँ मामला क्या है? गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ 17 नहीं 16 होना चाहिए। और यहाँ अगर बात करूँ तो 7 + 16 7 + 10 - 1 ये 16 बन रहा है, बट ये इसके साथ भी गड़बड़ होगा। तो ये वाला थर्ड वाला क्या हो जाएगा? रोंग सिचुएशन है। थर्ड वाला क्या हो जाएगा? रोंग हो जाएगा बिल्कुल। थर्ड वाला क्या हो जाएगा? सी वाला गलत हो जाएगा। बोलो भाई यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो सी वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बोल दीजिए एक बार, जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दीजिए सी वाले के बारे में। क्या लगता है सी वाले के बारे में? आपको क्या लगता है? कैसा लगता है? क्या लगता है मामला कैसे रहने वाला है सी वाले के लिए? सी वाले के लिए बोलिए जी, बोलिए सी वाले के बारे में। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कंपाउंड्स आर आइसोलोबल और नॉट। दोनों कंपाउंड को चेक कीजिए और बताइए कि आइसोलोबल है या नहीं है। दोनों कंपाउंड को चेक कीजिए और ये बताइए कि कंपाउंड आइसोलोबल है या नहीं है। दिस कंपाउंड्स आर आइसोलोबल और नॉट, कंपाउंड्स आर आइसोलोबल और नॉट, जल्दी से बताइए एक बार, जल्दी से। जो अब तक कंसेप्ट समझे हैं उसके अकॉर्डिंग जल्दी से बता दीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, प्रीवियस ईयर। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए जी जल्दी लगाइए, बताइए फटाफट से एक बार, फटाफट से एक बार जल्दी से बोल दीजिए, बोलिए जल्दी से, रिप्लाई फास्ट, जल्दी फास्ट रिप्लाई कीजिए कि क्या लगता है तुम्हें क्या होना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहां से, अगर मैं इनकी बात करूं सबकी, तो मुझे पता है कि ये सारा पोर्शन कॉमन है, यहाँ यहाँ और ये वाला, ये सारे पोर्शन क्या है? कॉमन है। और सिर्फ मुझे ये चेक करना है, अगर ये मामला फिट बैठ गया तो इसका मतलब क्या है कि अपने पास जो कंपाउंड है वो क्या है? आइसोलोबल, आपस में आइसोलोबल है। तो मुझे पता है प्लेटिनम के पास 10, प्लेटिनम के पास 10 + 4 = 14 कितना बना? 14। और यहाँ कॉपर के पास एक मिनट रुको, इसको हम चेंज करते हैं एक बार, इसको ऐसे मत करो। प्लेटिनम दिया हुआ ना अपने को, और इसको कॉपर को दिया हुआ है, तो ये अपने पास हो गया 11, ये हो गया 11 + 5 ये बन गया 16, कितना बन गया? 16। तो ये CH2 के इक्विलेंट हो जाएगा, CH2 के इक्विलेंट हो जाएगा। और इसको मैं अगर देखूँ तो ये वाला D8 में चला जाएगा, PT वाला क्या हो जाएगा? PTPME3 किट वाइज। अभी हमने देखा था पीछे, अगर तुम इलेक्ट्रॉन काउंट से करोगे तो यहाँ फंस जाओगे, इलेक्ट्रॉन काउंट से करोगे तो यहाँ फंस जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल फंस जाओगे। क्यों नहीं फंस जाओगे? क्योंकि यहाँ क्या है? ये निकल PDPT वाली फैमिली का है, PDPT फैमिली। तो यहाँ D8 बन रहा है आपके पास, D8 और साथ में लिगेंड क्या है? L2, D8 LM ML2 क्या बन रहा है? D8। और इसको मैं अगर D8 निकल वाली फॉर्म से बदल दूँ, अगर मैं निकल के साथ बदल दूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? अगर मैं निकल वाले से बदलूँगा तो ये चेंज हो सकता है आपके साथ, तो ये क्या बन जाएगा? अगर मुझे D8, अरे देखो रे ये वाला देख लो एक बार, यहाँ मामला जो समझाया था, ये वाला केस जो केस बताए थे मैंने, D8 ML4 वाला, अगर मैं उसको D8 ML4 में बदल लूँगा जो मेरे को दिया हुआ था D8, इसको मैं D8 और D8 के आगे तुम D9 भी चेक करोगे, D9 भी चेक कर लोगे, D10 भी चेक कर लोगे। ये दिया था जो सीक्वेंस तुम्हें, यहाँ ये दिया था मैंने, ये वाला सीक्वेंस D9 और D10 वाला, D10 वाला सिस्टम मैंने क्या बोला था? कार्बन वाले की इक्वल, इससे एक कम हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन भाई, D9 और D8 में देखेंगे तो एक सिस्टम और कम हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जितने करवाए हैं वो कहाँ से हैं? BD गुप्ता से है, BD गुप्ता से है, सारे क्वेश्चन करवाए हैं वो BD गुप्ता से है।
आ रही है बात समझ में ये वाली? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोल दो भाई एक बार, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार बोल दो भाई जल्दी से, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोल दो एक बार फटाफट से, फटाफट से एक बार रिप्लाई कर दीजिए, डाउट किसी को है तो बोल दीजिए। सचिन बोल रहे हैं थैंक यू सर, बोलो भाई जल्दी से एक बार बोल दो रिप्लाई, किसी को कोई डाउट है तो बोल दो एक बार जल्दी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, फटाफट से अब क्या लगाने हैं, अब क्या लगाने हैं, अब आपको लगाने हैं कौन से क्वेश्चन, अब आपको लगाने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जल्दी से एक बार बता दो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो, जल्दी से एक बार बोल दिया जाए कि यहाँ सर डाउट है। अगर किसी को डाउट है पीटी वाले क्वेश्चन में या कहीं भी कोई डाउट है तो एक बार बोल दो भाई जल्दी से, जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोल दो एक बार से। आ रही है बात समझ में? आ गया समझ में सर? देखो रे अगर तुम्हें अगर नहीं समझ आया, अब भी नहीं समझ आया तो इसको देख लो, ये कहाँ लिखा था मैंने D8 वाला, जैसे अभी मैंने ये लिखा है कि D8 जो है D8ML4 किसके इक्वल हो जाएगा, D10 या लिखना भूल गया D10ML2, D10ML2 किसके इक्वल हो जाएगा D8ML4 के, और D8ML4 हमें पता है अगर आप आगे चलेंगे तो CH2 के इक्वल आता है, ये देख लो। अगर यहाँ एक चीज़ लिख लो D8ML2 किसके इक्वल होगा, ये क्या हो जाएगा D8ML4 के, और D8ML4 अगर इसके इक्वल है तो वो किसके इक्वल हो गया CH2 के इक्वल। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? ये क्वेश्चन अगर किसी को डाउट लग रहा हो तो, यहाँ क्या है मेरे पास D10ML2 है और ये किसके इक्वल हो जाएगा D8ML4 के इक्वल होगा कि नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स में। अगर यहाँ 10 है और 14 इलेक्ट्रॉन है तो यह 8+, यहाँ पर पास 8+, ये हो जाएगा 8+8, ये 16 हो जाएगा। बट इलेक्ट्रॉन काउंट के हिसाब से तो होगा ये, ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन काउंट के हिसाब से तो बन जाएगा। अगर मैं पीटी को और फिर अगर मैं इसको, तो मुझे पता है D8ML4 किसके इक्वल होता है, D8ML4 CH2 के इक्वल होता है, D8ML4 किसके इक्वल होगा CH2 वाला, क्योंकि इसके तो हमने फ्रंटियर के अंदर देख लिए थे कि दो इलेक्ट्रॉन होते थे। बोल दो भाई यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट आया हो तो बोल दो एक बार। इसके बाद अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने वाले हैं हम जल्दी से। अगर फिर भी ना समझ आया हो पीटी वाला केस थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, जिसमें D8 और D8 वाला, ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर ये आपको ना समझ आया हो तो आप फिर से बोल देना कमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा इसको कर देंगे एक बार कि D8 और D8 वाला ये क्वेश्चन करके देख लेना। ये वाले ग्रुप भी क्या होंगे, आइसोलोबल होंगे, ठीक है। ये D8 वाला और D8 वाला लगाना भाई, पहले क्या कर लोगे D8 वाले को D8 से कर लोगे सिकंदरा सर, ठीक है। चलो जी अब देखो आगे आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। यहाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला था आपको कहीं भी ना कभी एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएगा, जब डेफिशिएंसी सेम मिल जाएगी, बोल दिया जाए FeCO4 किसके साथ है, FeCO4 किसके साथ क्या है आइसोलोबल है। तुम क्या करते हो इलेक्ट्रॉन चेक करते हो, 6 आ गया, इधर भी 6 आ गया, इधर 16 आ गया, अब बताओ कहाँ जाओगे, अब बताओ मुन्ना कहाँ जाओगे, 16 6 6 आ गया तो मुन्ना कहाँ जाओगे भागकर। तो इसके लिए तो ये लेक्चर्स तो पूरे देखने पड़ेंगे अगर ऐसे क्वेश्चन से बचना है तो। देखिए सबको लगता है कि ऑर्गेनोमेटालिक आती है, ऑर्गेनोमेटालिक में 18 इलेक्ट्रॉन रूल चल रहा है, अरे बड़ी बहुत सी नई नई चीज़ें मिल रही हैं आपको अगर देखोगे तो। अगर मैं यहाँ देखूँ, अगर मेरे को पता है कि इस कॉम्प्लेक्स का मुझसे पूछ लिया जाता, अगर ये एग्जाम में यही क्वेश्चन दे दिया जाता मेरे को, CH2CH3 पॉजिटिव और FeCO4 दे दिया जाता और मुझे बोल दिया जाता कि इनमें से आइसोलोबल कौन सा है, तो क्या बता देते, क्या बोलते बताओ, क्या बोलते तुम, क्या बोलते हैं। यहाँ तुम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो, तुम तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो, तुम यहाँ तो करोगे तो यहाँ भी 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा और यहाँ 16 आ जाएगा, तो किसके साथ जाओगे जब दोनों ऑप्शन में होंगे तो। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जो लगातार देख रहा है उसको पता होगा कि किसके साथ जाना है। ये जो मामला मैंने आज तुमको सिखाया है, ये वाला जो मामला मैंने आज तुमको सिखाया है, यहाँ इस मामले को देख लेना। सिर्फ ये जो इलेक्ट्रॉनों का खेल था ना, ये फ्रंटियर के अंदर एक, इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ मैं यहाँ से, ये वाला मामला, ये जो मामला बना है यहाँ, ये वाला मामला, ये जो मामले आज यहाँ बनाए हैं, 1-1 इलेक्ट्रॉन सारा सिस्टम इनका था, सारा सिस्टम किनका था, इन इलेक्ट्रॉन्स का था, ये जो ऊपर भरे हैं मैंने 1-2, और इसको मैंने यहाँ तुमको साफ साफ लिख के बता दिया कि अगर जब मामला इक्वली वाला फंस जाए तो आप ऐसे चले जाना, डी वाले के साथ, 4 वाले के साथ, 7 वाले के साथ, 9 वाले के साथ, ये मामला आपको देखने से समझ आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे,
जो बिल्कुल ही आसान और आप बोल सकते हो चुन्नू मन्नू टाइप वाले क्वेश्चन थे अपने, उन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से लगा लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी से बार आंसर दीजिए। ये दिसंबर 2016 के अंदर पूछा हुआ है। आइसोलोबल, ये तो सारे डेफिशिएंसी से होने वाले हैं क्वेश्चन, बट मामला डेफिशिएंसी से अगर आगे बढ़ गया कभी एग्जाम के अंदर, भाई कॉम्पिटिशन तो हर बार बढ़ रहा है, मुश्किल हो रहा है हर बार एग्जाम, तो ये मामला तो बना लेंगे। यहाँ ये बोल रहा है कि CO3 को इसमें रिप्लेस करना है तो किससे करूँगा, तो 9+6 मुझे पता है कि 15, अगर ट्रांजिशन मेटल का 15 आ रहा है तो 18 माइनस 15 3 का डेफिशिएंसी है, और इधर कितने से डेफिशिएंसी चेक करेंगे, 8 से, तो यहाँ कितना बनेगा 4+1, यहाँ भी 5 बनेगा, और यहाँ कितना बन गया 4 बन गया, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, सबका 5 आना चाहिए, यहाँ 5 बन रहा है, यहाँ 5 बन रहा है, यहाँ 10+5 15 बन रहा है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। ये तो से सारे चुन्नू मुन्नू टाइप के क्वेश्चन है, ये तो हो जाएंगे जब क्वेश्चन असली आएगा कभी एग्जाम के। किटा 5 सीपिरिंग फ्रेगमेंट ऑफ आइसोलोबल बी एच यूनिट के कौन सा MnCp बोल दिया है, मेटल कौन सा रखे कि इसके साथ आइसोलोबल हो जाए, तो ये तो हमें पता ही है, बोरोन की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन 3+1 करेंगे तो 4 बनना चाहिए, और अगर इसको 8-4 करते हैं तो 4 का डेफिशिएंसी आता है, ट्रांजिशन मेटल के केस में 18 से कम कर देंगे तो यहाँ 5+ मेरे पास क्या है 9, यहाँ 14 है, और 18-14 करेंगे तो यहाँ डेफिशिएंसी 4 का आता है, और यहाँ डेफिशिएंसी अलग आएगा, यहाँ 5+7 यहाँ 12 है, यहाँ 6 का डेफिशिएंसी आएगा, यहाँ 8+8 है 2 का डेफिशिएंसी आएगा। ये क्वेश्चन सारे फर्जी क्वेश्चन है, सारे क्या है चुन्नू मुन्नू टाइप के क्वेश्चन है, चुन्नू मुन्नू मुन्नू, ये सारे चुन्नू मुन्नू वाले क्वेश्चन हैं। जब क्वेश्चन तो मामला तो तब फंसता है जब आइसोलोबल पूछ लिया जाए और डेफिशिएंसी से क्वेश्चन ना बने, डेफिशिएंसी से क्वेश्चन ना बने तब मामला बिगड़ जाता है। बोलो रे बताओ एक बार समझ में आ रहा है तो लाइक ठोक दो एक बार, वीडियो को मजा आ रहा है तो, जो लगातार देखना है ना मुझे इतना पता है कि उसको कभी ना कभी ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा तो बड़ा उसको सुकून मिलेगा कि आइसोलोबल एनालॉजी का हुआ, जिंटलाइन का हुआ, वेड रूल का हुआ, किसी का क्वेश्चन हुआ, वो जरूर ठीक करके आएगा जिसने लेक्चर्स देखे हैं। तो भाई देखो पेशेंस रखना पड़ता है, मैंने एक दिन छोटे शॉर्ट वीडियो में भी बताया था कि समय के साथ सीखते हो, लगता है ऑर्गेनोमेटालिक्स आता है, जब क्वेश्चन क्लस्टर से आता है ना निकल के तो ऐसा लगता है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, या ये तो हमको पढ़ाया ही नहीं गया था, स्टूडेंट को क्या होता है कि ये हमने पढ़ा नहीं था, अरे वो होता है बुक के अंदर होता है, बट अगर हम ऊपर ऊपर से चलेंगे क्लोजो नीडो निकालते घूमते रहेंगे तो कैसे बनेगा मामला, क्लोजो नीडो रेक्नो जब तक हम निकालते रहेंगे तो कैसे बनेगा मामला, बोलो रे एक बार फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। CH3 पॉजिटिव दिया है, 4+3-1 करोगे 6, तो इसके पास 6, 8-6 2 का डेफिशिएंसी आता है, तो उधर 18-16 वाला बनना चाहिए, 6 के साथ हमें पता है किसका होता है 16 का, आ रही बात समझ में, तो जल्दी जल्दी से लगा दो, 8+10 18, 7+10 17, 6+10 16, 10+6+-1 15, तो बोलो भाई यहाँ आंसर बन गया अपना क्रोमियम वाला आंसर बन गया है, तो ये बात समझ में आ रही होगी सबको कि क्रोमियम वाला यहाँ आंसर बन चुका है। बोलिए जी जल्दी से एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए बिल्कुल। ये लीजिए, ये अभी का ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जून 19 का, ये भी फिर से बहुत ही चुन्नू मुन्नू टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी अभी क्वेश्चन आया नहीं है, मामला जैसा हम चाहते हैं वैसा क्वेश्चन अभी आया नहीं है एग्जाम में, एग्जामिनर की नज़र पड़ी नहीं है अभी तक। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास बन गया 6+1 7 और 8 15, यहाँ क्या बन गया 15, अगर यहाँ 15 बन गया है तो 5 वाले से कंपेरिजन कर देंगे, 5 वाले से, 5 वाला अगर इसको चेक करता हूँ तो कितना बनता है CH2 का 4+2-1 कितना बन गया, अब आ गया मामला, मेरे को लग रहा है बन जाएगा यहाँ क्वेश्चन मामला बन सकता है क्या 7+4+2 6 और 5, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 4+3 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है 4+1 4+1+1 यहाँ 6 आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है 4+2 6+1 का, और यहाँ 4+1 5, यहाँ मामला 2-2 का जा रहा है, क्या ऐसा ही है क्या, ऊपर वाले को दोबारा काउंट कर लो, आयरन का 8+4+2+1 2+1, तो ये बनेगा 15+5, अब बताओ जी किसके साथ जाओगे जल्दी से, जिसने वीडियो देखा है वो बता देगा,
अगर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है तो क्वेश्चन बहुत आसान सा है, अगर इलेक्ट्रॉन काउंट हमने सही किया है तो। आयरन का 8 लिया है हमने, बिल्कुल सही लिया है, और यहाँ मैंने 4 लिया है, बिल्कुल सही लिया है, और 2 लिया है ये भी सही लिया है, और 1 प्लस का लिया है ये भी लिया है। 8 और 4 12 12 3 15, यहाँ बन रहा है 15 मामला, और ये सबका बन रहा है 4 और 1 5 6, और 4 और 1 5, और 4 और 2 6 प्लस का 1। अब बोलो जी, अब ये मेरे पास बन गया ऐसा खेल कुछ। CH के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ देखो आयरन के पास तुम्हारे पास ये क्या है, D8 सिस्टम है। अब चलते हैं सिस्टम्स के पास। D8 सिस्टम को किसके साथ किया था, 2 वाले के साथ किया था D8 सिस्टम को। तो ये देखो रे, ये देख लो, ये बन गया मामला, अगर किसी ने देखा होगा तो। इसके पास कितना बनेगा, D7 वाले के पास करेंगे तो कितना बनेगा, D9 वाले के पास। ये देख लो यहाँ मामला, CH वाला फिट बैठ रहा है तुम्हारा, CH वाला मामला, जिसके फ्रंट ईयर के अंदर 3 ऑर्बिटल, 3 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्री होंगे, तो CH वाले के साथ जाते हैं। जब D7 था तो CH3 के साथ, D6 था तो CH2 के साथ, और D5 किया तो किसके साथ चले गए, CH के साथ। बोलो रे एक बार, एक एक लिगेंड कटाते चलोगे, मेटल के साथ बढ़ाते चलोगे, तो यहाँ 4 था तो वहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोल दो एक बार जल्दी से, तो यहाँ 3 है, देख लो, अगर यहाँ मैंने ऐसे किया ML3, तो यहाँ देख लो ये ML3 होगा कि नहीं होगा। अरे कहाँ गया रे मुन्ना, ये देखो ML3 वाला, अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ देख लो ये वाला सिस्टम देख लो, अगर D9 बने और ML बने। अरे क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन तो आ गया, मैं तो सोच रहा था, आया नहीं है। D9 और साथ में 3 लिगेंड बन जाए तो CH के साथ जाएगा फ्रेगमेंटेशन, किसके साथ जाएगा, आइसोलोबल किसके साथ जाएगा। ये लो जी आ गया, ये लो जी क्वेश्चन तो आ गया, जो मैं सोच रहा था वो मिल गया क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन तो आ चुका है, आया हुआ है। इसको लगाओ दोबारा से क्वेश्चन को, मज़ेदार क्वेश्चन है, दोबारा इसको सीखो भाई, इस क्वेश्चन को सीखोगे तभी तो मामला फिट बनेगा, इस क्वेश्चन को सीखोगे तभी तो मामला बनेगा, बिल्कुल बनेगा। लगाओ रे इस क्वेश्चन को, यहाँ देखो तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने वाला फंडा फेल हो जाएगा, 4 + 2 - 1 5 बना, और यहाँ भी 5 बना, 4 + 1। अब किसके साथ जाओगे रे मुन्ना, 5-5 का बन चुका है, जब आइसोलोबल हो जाए और दोनों 5-5 का बन गया है, अब तो 5-5 का बन गया है, मैं चाह रहा था वही क्वेश्चन आ गया, और ये 19 में आ चुका है, आ गया है ये क्वेश्चन, मेरा भी दिल खुश हो गया, मैं सोच रहा था सारे फर्जी क्वेश्चन आ रहे हैं चुन्नू मुन्नू टाइप के। तो देखो भैया 5-5 का बन गया दोनों, सिकंदर समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, किसके साथ जाएगा, CH के साथ जाएगा कि CH2 के साथ जाएगा। तूने ये पूरी क्लास तो नहीं देखी है तो मुझे पता नहीं अब तेरे को समझ आया है या नहीं आया। अगर अभी ये लास्ट वाला मैंने थोड़ा सा जो दिखाया था तुम्हें, D9 सिस्टम अगर बन जाए, अब ये D9 कैसे बन गया ये बता भाई, पहले तो ये बताओ कि D9, अभी वहां तो ये लिखा हुआ था, वहां ये लिखा हुआ था कि D9 सिस्टम हो, और D9 के साथ क्या लिखा हुआ था, ML3, 3 लिगेंट और D9 सिस्टम हो तो वो आइसोलोबल हो जाएगा CH के साथ, 3 इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है। इनके डायग्राम्स मैंने आपको पूरे बता के बना के दिखा दिए थे, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ D9 कैसे हुआ ये वाला, अगर इसकी बात कर ले तो D9 कैसे हुआ, हमें पता चला कि इसमें तो 8 थे, यहाँ तो 8 थे, और 4 यहाँ थे, 8 + 4, और अगर मैं इसकी एक माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयरन कितने में है, -1 में है, अगर आयरन -1 में है तो मुझे पता है कि आयरन जब सिंपल होता है तो आयरन के पास 3D6 4S2, तो ये D8 सिस्टम बनेगा, और एक माइनस का है तो क्या बन जाएगा, D9, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या बन जाएगा, D9 बन जाएगा। बोलो रे ये समझ में आया कि नहीं आया, अरे यही तो है। D7 किसको बोलते हैं, जिसके पास वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो, अभी यहाँ 8 तो है ही है, 8 इलेक्ट्रॉन तो है, बट यहाँ क्या हो गया, एक माइनस का और है, तो D9 करोगे कि नहीं करोगे, बोल दो भाई, यहाँ तक समझ में आ गया क्या एक बार, अगर आ गया हो तो बहुत बढ़िया बात है, चले नेक्स्ट बढ़ा जाए आगे, नेक्स्ट अंतिम स्लाइड की तुम्हें ले जाऊं, अंतिम स्लाइड की तरफ ले जाऊं मैं, बिल्कुल ले चलता हूं। और आपको क्या करना है, चैनल को लाइक कर देना वीडियो को, अगर पसंद आ गई हो तो, पसंद आ जाए तो वीडियो लाइक जरूर करना है, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुमको मिलता रहे, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे,
और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि लगातार मेहनत कीजिए दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो लगातार लगे रहना पड़ेगा। ये नहीं कि दो दिन कर लिया, चार दिन नहीं किया, दो दिन एग्ज़ाम है सर, दो दिन नहीं है, अभी डेट नहीं आया, अभी फॉर्म नहीं भरा गया, अभी ये नहीं हुआ, जब तक बहाने बनाओगे। अब RAS में सिलेक्शन हुए, उनमें देखो तुम, उनमें तुम देखोगे तो ऐसे ऐसे बंदे सेलेक्ट हो गए हैं। एक तो महिला है जो कि कर्मचारी थी, सफाई कर्मचारी, क्या थी, सफाई कर्मचारी थी, और वो भी अब क्या बनी है, कलेक्टर बनी है, क्या बनी है, कलेक्टर कर्मचारी थी वो, और उसका RAS में सिलेक्शन हुआ है राजस्थान में। तो आप देख सकते हो, बहाने मत बनाइएगा कि टाइम नहीं था, एग्ज़ाम लेट हुआ, हमें मिला नहीं, हम तैयारी नहीं कर पाए, तो बहाने कुछ नहीं होते। कोई भी मुसीबत हो, अगर हमने अगर निश्चय कर लिया है कि हम करके रहेंगे तो हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं बिल्कुल। ये देख लीजिए, ये वाला जो तुम्हारे सामने उदाहरण है, मैं इस पर चर्चा करने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो देखिए जी, आपको यही कहूँगा लास्ट में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेहनत कीजिए, लगे रहिए, दिन रात लगे रहिए, ताकि आपको अपना मुकाम हासिल हो अनअकैडमी के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, अनअकैडमी CSIR नेट को। थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट, एंड आपके सपने इसी साल क्या हो, साकार हो अनअकैडमी के साथ। जुड़े रहिए, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।